महोबा और झांसी के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लखनऊ पहुंचेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी और अगले दो दिन तक रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 नवंबर को लखनऊ में होने वाले डीजी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक डीजीपी समेत तमाम आलाधिकारी हिस्सा लेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद अगले दो दिन पीएम मोदी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। ये कॉन्फ्रेंस कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी 20 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक और 21 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी लखनऊ के शहीद पथ स्थित पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में किया जा रहा है। वहीं इस हाई लेवल की कॉन्फ्रेंस को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण भी किया। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने कई गाइडलाइंस भी जारी की हैं और लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर सिग्नेचर बिल्डिंग के आसपास के ऊंचे अपार्टमेंट में 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक बालकनी में कपड़े ना फैलाने के लिए कहा गया है। साथ ही अपार्टमेंट में कोई नया शख्स रहने के लिए आता है तो उसकी सूचना थाने में देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भगोड़े आर्थिक अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। पीएम ने कल बिल्ड सिनर्जी फॉर सीमलेस क्रेडिट फ्लो एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए डिप्लोमेटिक समेत तमाम चैनल्स का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में मैसेज बहुत ही क्लियर है कि देश वापस लौट आओ। मोदी ने अपने संबोधन के दौरान किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों पर था। लेकिन यह सोच बनी हुई थी, बैंक हमारी ही है, बैंक में जो है वो भी हमारा ही है, वहां रहे या मेरे यहां रहे क्या फर्क पड़ता है। और जो चाहा वो मांगा, जो मांगा वो मिला, और बाद में पता नहीं था कि 2014 में देश निर्णय कुछ और कर देगा। सारी स्थितियां साफ हो गई है साथियों। जो ये पैसे वापस लेने वाला हमारी कोशिश है, नीतियों का भी आधार लिया है, कानून का भी आधार लिया है, डिप्लोमेटिक चैनल का भी उपयोग किया है और मैसेज भी बहुत साफ है कि यही एक रास्ता है, लौट आइए। और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। हमारे देश में जब बैंकों से कोई उठा के भाग जाता है तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन कोई दम वाली सरकार वापस लाती है तो इस देश में कोई चर्चा नहीं करता है। अब कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन योजना के तहत देश के बैंक और बैंकर्स के योगदान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार ने डिफॉल्टर से लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी की है और मोदी ने कहा कि 2014 के पहले की जो भी परेशानियां थी, चुनौतियां थी, उन्हें एक एक करके ठीक किया जा रहा है। 2014 के पहले की जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी चुनौतियां थी, हमने एक एक करके उनके समाधान के रास्ते तलाशे हैं। पहले की सरकारों के समय जो लाखों करोड़ रुपए फंसाए गए थे, उनमें से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी की जा चुकी है। हो सकता है आप उस लेवल के लोग बैठे हैं, आपको 5 लाख करोड़ बहुत बड़ा नहीं लगता होगा, क्योंकि जिस प्रकार से एक सोच बनी हुई थी, यहां बैठे हुए उन लोगों की नहीं होगी ऐसा मुझे पूरा पक्का विश्वास है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।